और खतरों के खिलाड़ी, चाहे बिग बॉस हो, वह हर जगह जाकर वो बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही है। उसने एक कह रहा, वो अपना वो बना लिया, क्या बोलते हैं उसको, एक प्लान। खतरों के खिलाड़ी में भी उसने वही चीज बोली कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप था बहुत बेकार था, बहुत मुझे परफेक्ट के जैसा लगता था ये वो। हाय राहुल, वेलकम टू टेली बाइट्स। तो काफी दिन बाद आपसे जो मुलाकात हुई है, और काफी दिन से आपसे कांटेक्ट में रह रहे थे कि आपका कहीं इंटरव्यू मिल जाए। यू सडनली आपका आना प्रेस में कुछ समझ नहीं आया, तो आज आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि अचानक ऐश्वर्या का टॉपिक लेके आप कैसे बाहर आए, क्योंकि इससे पहले आपका नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं था। तो पहले तो वो जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस इंटरव्यू में भी मैंने बताया है कि ये सारी चीजें कैसे बाहर आई, जो हमारे फोटोग्राफ्स थे जो कैसे लीक हुए, तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास मीडिया से कॉल आया था कि आप राहुल पंड्या जी बात कर रहे हैं, हम ऐश्वर्या के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स हमारे, जो हमारे पास्ट के जो फोटोग्राफ्स थे वो हमारे लीक हुए थे। अब चूंकि मीडिया मुझसे पूछ रही थी तो मुझे तो सबके सामने आना पड़ेगा ना, मैं भाग तो नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें जो सारी रिवेल हुई है, तो मैं उसी के कारण मुझे भी सबके सामने आना पड़ा, लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं मैं, और मैंने उसके कारण बहुत सारी चीजें फेस भी करी है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी कोई बिग बॉस का सीजन आता है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चीजें ऊपर आती है, चाहे वो पब्लिक फिगर ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप ऐश्वर्या और नील की बात कर रहे हैं, जो काफी फेमस जोड़ी है, और उनकी शादी के वक्त भी ऐसा कभी आपका नाम का जिक्र नहीं हुआ। तो ये अचानक बिग बॉस के सीजन के टाइम ही आपने ऐसे क्यों डिसाइड किया कि आपको इंटरव्यूज करना? मैंने नहीं किया ना मैम, मैं ये आपको यही तो बता रहा हूँ कि सारी चीजें कैसे लीक हुई है, ये सारी चीजें कहाँ से, किसके थ्रू सारी चीजें बाहर आई है, ये मुझे नहीं पता। तो बस यही है कि अब मेरा तो यही है ना कि मुझे लोगों के सामने आकर अब जवाब देना पड़ेगा ना। और रही बात आप शादी की बात कर रहे हैं कि उसकी शादी हो गई, ये हो गई, पहली बात तो मैम हमारा एक बहुत अच्छा एक रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप था। अब उसने क्यों किया मेरे साथ, क्यों ऐसा धोखा दिया मुझे, और कैसा मुझे बिट्रे करके, मतलब अगर वो मुझे बता देती, एक बार कॉल करती कि यार मैं शादी करना करने वाली हूँ, या जो भी है सारी चीजें मेरे सामने लाती, तो मैं बताता ना उसको कि हाँ यार चल ठीक है, ये सारी चीजें जो हो रही है, तो अब मुझे तो सामने आना पड़ेगा ना मीडिया के, क्योंकि जो सारी चीजें निकली है इतनी सारी बाहर, और बहुत सारे रीजन भी है मेरे बाहर आने के, बोलने के, क्योंकि आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, अब ये कुछ मेरे पास क्लिप्स भी है, मैं आपको सेंड करूंगा। ये स्मार्ट जोड़ी में भी जाकर, और खतरों के खिलाड़ी, चाहे बिग बॉस हो, वह हर जगह जाकर वो बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही है। उसने एक कह रहा, वो अपना वो बना लिया, क्या बोलते हैं उसको, एक प्लान कि यार मैं जैसे तैसे करके राहुल को मतलब इतना नीचे गिरा दूं कि वो कभी सामने भी आ जाए तो वो लाइक फेस नहीं कर पाए। वो बार बार जाकर वो बोल रही है कि मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत बुरा था, आपने देखा होगा स्मार्ट जोड़ी में भी, उसमें खतरों के खिलाड़ी में भी उसने वही चीज बोली कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप था बहुत बेकार था, बहुत मुझे परफेक्ट के जैसा लगता था ये वो। और अभी बिग बॉस के घर के अंदर भी जब करवा चौथ स्पेशल चल रहा था, उसमें भी उसने वही चीज दोहराई कि मतलब जहां सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, सेल्फ लव की बात आती है, तो वो मुझे नील से मिला, मतलब मेरे 6-7 साल के रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, बस वो सीधा एक ही चीज मुझे टारगेट कर रही है, मुझे मतलब मेरा सेंटिमेंट हर्ट करे जा रही है। वो उसमें भी वहां इतने सब बैठे हुए थे वहां पर करवा चौथ स्पेशल में, उनके सामने भी वही उसने वही चीज बोली कि माई पास्ट रिलेशनशिप वॉज रियली रियली बैड। उससे कोई पूछ नहीं रहा है, अलमज जी उससे कोई पूछ नहीं रहा है कि आप आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताओ, वो आगे से ही सबको बोले जा रही है, क्योंकि उसको पता है ना मैं अंदर हूं। राहुल ये शो देख रहा होगा, या जितने भी शो देखे होंगे, तो राहुल को पहले इतना बुरा बना दो, इतना बुरा बना दो कि बाद में ये सारी चीज जब आए तो लोग उसको ना, वो बोलते ना सिंपथी, या जो भी गर्ल्स का खेल रही है वो मेरे साथ। और अभी रिसेंटली मेरे अभी एक और, क्योंकि अब जब से ये सारी चीजें होने लगी है ना, तो मैं अब उसको ज्यादा देखने लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें और उसकी निकल के आ रही है। बोले टॉक्सिक था एक वर्ड उसने यूज किया, माय रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है ये वो। अभी आपने देखा ही होगा वीकेंड के बाद में भी सलमान सैन ने उसको बहुत अच्छे से उसको समझाया कि भाई टॉक्सिक मत रहो, कैसा हो, तो मैं मुझे अब ज्यादा इस चीज के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है।
और अभी भी उसने एक चीज दोहराई है। रिसेंटली अभी वो गार्डन एरिया में बैठी थी और नील के साथ में वो बातचीत चल रही थी, तो वो बोल रही है कि मैंने उसको धोखा दिया। वो बोल रही है पास के मेरे पास्ट जो था उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बगैर बताए शादी कर ली और मतलब मैं मुझे ट्रस्ट इशू है। तो भाई धोखा तो उसने मुझे दिया और वो बोल रही है कि शादी कर ली, तो शादी तो दूर की बात है, शादी का तो नामो निशान नहीं, आज तक बैठा हूँ। आप सर्च कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, किसी भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए कि मैं शादीशुदा हूं कि नहीं। तो अब ये तो बात मेरे अभिमान मतलब मान सम्मान पे आ गई ना मैम, बात अलमत जी, वो कितना मुझे नीचे गिराएगी। तो मुझे इसके लिए भी तो सबके सामने आना पड़ेगा ना, मैं कब तक लूंगा? क्योंकि देखो हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूरा उज्जैन जानता है, मुंबई भले ही कोई नहीं जानता हो है ना, लेकिन उज्जैन में एक बहुत छोटी जगह है बाबा महाकाल की नगरी जहां मैं रहता हूँ, ऐश्वर्या के और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूरा उज्जैन जानता है, पूरा कॉलेज जानता है, मेरा पूरा परिवार जानता है, हम दोनों के जो फ्रेंड्स लोग हैं सब जानते हैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। अब ये जब चीजें बोलती है ऐसी कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप, मेरा ये मेरा वो, तो मैम लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि भाई तुमने जब इतना सब कुछ उसके लिए किया, तुमने उसको जो जो तुमने तुमने अपने जीवन का सेक्रीफाइस करके तुमने अपना करियर ना बनाते हुए उसके करियर को प्रायोरिटी दी, तो भाई वो आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, आपने ऐसा क्या किया? तो मैम अब वो मुझ पर तो आ रही है ना बात, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे फैमिली में भी उसका आना जाना था, मेरे फैमिली के हर एक मेंबर उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन हमने बहुत फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी। तो अब लोग मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो सबके सामने आना पड़ेगा ना, बोलना पड़ा बताना पड़ेगा ना, तो यही रीजन है मेरा सबके सामने आने का और ये चीजें बात करने का कि अब मैं अपना पक्ष रखूं, क्योंकि मैं अगर अब चुप बैठा ना तो मैं मतलब मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंच रही है इस चीज से। मैं जहाँ पर आपने राहुल जी टॉक्सिक की बात की है और आपने कहा है कि नील के साथ भी वैसा ही वीकेंड पर बाहर पे सलमान खान ने भी कहा इस चीज को लेके, तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहूंगी, जो ऐश्वर्या का हम नेचर देख रहे हैं इस बिग बॉस सीजन में, तो क्या रियल लाइफ में ऐश्वर्या ऐसी ही है या कुछ चेंजेस है उनके अंदर? मैं सच बताऊंगा, ऐश्वर्या पहले ऐसी नहीं थी, जब तक हम दोनों साथ में थे वो इस तरह से मतलब जो बोलते हैं ना टॉक्सिक, जिस तरह से अभी कर रही है, नील से बात कर रही है बिल्कुल लाइक एक पति की जो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही है, मतलब वो तो सबको दिख ही गया है। मतलब पहले ऐसी नहीं थी, पहले वो बहुत अच्छी एक चुलबुली सी मतलब हंसती खेलती मतलब एक बोलते हैं ना बच्चे जैसी शरारत करने वाली लड़की थी, वो ऐसी नहीं थी। वो जैसे जैसे उसका ग्राफ बढ़ता गया ना, तो बोलते हैं ना इंसान जितनी स्पीड में जाता है ना उतनी स्पीड में नीचे भी गिरता है। तो अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि हो सकता है उसको इस चीज का वो हो रहा होगा, प्राउडी बढ़ गई, बन गई कि यार मैं आज इस लेवल पे पहुंच गई तो मैं कुछ भी करूंगी ये वो, तो उसका हो सकता है कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर आ जाता है ये चीज कि जो इंसान जैसा बढ़ता है ना तो वैसे वैसे उसके अंदर घमंड भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका टॉक्सिक होने का रीजन ये होगा, क्योंकि जब तक जब आपने मेरे प्रीवियस इंटरव्यू देखे होंगे, मैंने सारी चीजें सब चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी, सभी चीज को मैंने रिवेल किया है मेरा और ऐश्वर्या के जो भी रिलेशनशिप है। तो पहले मतलब मेरे साथ तो इतना टॉक्सिक नहीं थी चलिए वो अगर मैं अभी अभी बात करूं पता नहीं राहुल जी चला कहाँ से। ऐश्वर्या के फैंस की बात करूं या दर्शकों की बात करूं बिग बॉस के, तो जब कंट्रोवर्सी चीजें होती हैं तो लोग बाहर आते हैं, जैसे आप भी आपने अपना मुद्दा बताया सबको और आपकी अपने लाइफ के बारे में बताया, ऐश्वर्या के बारे में बताया, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी एक बार बिग बॉस में आकर फेमस होने का मौका मिले, तो क्या कहीं ना कहीं ये चीजें उस चीजों से रिलेटेड है? देखिए ये उससे कहीं कतई रिलेटेड नहीं है, चाहे मैं बिग बॉस में जाऊं चाहे ना जाऊं, या जो भी जो लोग सोचे, लोगों का बोलते हैं ना लोग तो कहते हैं उन लोगों का काम है कहना, तो मुझे उनसे कोई वो नहीं है, चाहे वो बाहर आए चाहे मैं अंदर जाऊं मतलब, लेकिन मैं तो इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि अब मेरे मेरे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, वो मुझे टारगेट करे जा रही है इस चीज को लेकर कि भाई मेरा पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत बेकार था। तो मुझको तो अब उससे जानना है कि भाई तू मुझे सिर्फ डिफाइन कर दे इस वर्ड को कि तेरा रिलेशनशिप किस तरह से बेकार था, इस तरह से बेकार था कि मैंने मेरी जिंदगी के 5 से 6 साल उसको दे दिए जो मैं मेरे करियर में दे सकता था आज जो टॉप पे, जिस ऐसा नहीं कि वो ही जाना चाहती थी, मैं भी मेरे कॉलेज में उसको खुद को पता है, हम दोनों का डिसाइड हुआ था कि मैं भी एक बहुत अच्छा मतलब मैं बहुत अच्छा गया, मैं तो अभी भी कोरियोग्राफी करता हूँ, मेरी खुद की जिम है, मैं जिम ऑनर हूँ, मेरे भी ड्रीम थे कुछ आगे के लिए लेकर कि मैं भी आगे जाऊं, मैं भी बहुत सारी चीजें करूं कोरियोग्राफी से रिलेटेड या चाहे मैं एक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं थिएटर ग्रुप चलाता हूँ उज्जैन में,
सारी चीजें मैंने भी उसको बताई थी मेरी। उसने मुझे बोला था कि पहले मैं चले जाती हूँ क्योंकि अभी आप पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने कॉलेज मेरा पास आउट हुआ था तो मैंने जॉब में जॉब जॉब चले जॉब में आ गया था, तो हम दोनों का डिसाइड यही हुआ था कि पहले एक जने को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसके फादर उसकी जो फैमिली है वो मुझे थोड़ा सा लाइक वो रहता ना स्टेटस वाला जो है वो प्लॉट था हम दोनों के बीच में, तो यही इसी कारण से मैंने सबसे पहले उसके करियर को प्रायोरिटी दी। चाहता तो मैं भी चले जाता, मैं भी जाके वहां पर सब कुछ कर लेता, मैंने भी दिए थे डीआईडी के ऑडिशंस वगैरह, आप देख सकते हो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके कि मैंने भी डांस को लेकर कितना अपने आप को दिया है, या एक्टिंग को लेकर मैंने भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बिग बॉस के लिए ही करना है, चाहे जाऊं या ना जाऊं, मैं वो बाहर भी आएगी तो मेरा उससे यही क्वेश्चन है कि तू बार बार मुझे टारगेट मत कर, क्योंकि भाई रिस्पेक्ट रखो रिलेशन की, क्योंकि मैं ना उसकी शादी में गया ना मैं उसके किसी भी शो, अगर मुझे देखो करना ही होता ना, फेम पाना होता तो ये करना होता, तो मैम आप भी समझ सकते हो कि ये चीज उसने पहले जब वो गुम है किसी के प्यार में उसने सीरियल किया था तब भी फेमस थी वो, उसके बाद में उसने जो खतरों के खिलाड़ी किया उसमें भी फेमस थी, और ये अपना जो बिग बॉस किया या स्मार्ट जोड़ी किया वो अच्छा खासा एक अपना प्लेटफॉर्म बना चुकी थी ना, तो ये चाहता तो अगर मुझे करना होता तो ये पहले ही मैं करके लाइमलाइट में आ जाता, मैं अभी क्यों आया, मुझे बिग बॉस और उसका कोई वो नहीं है, चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन भाई अब मेरे ऊपर जो बात आई है कैसे क्या रिवेल हुई है सारी चीजें, मैं तो आज भी यही बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया है सारी चीजें, भाई कहाँ से निकली है आप देखो, मेरे पास तो कॉल आया ना भाई, मैं कब तक चुप बैठूंगा, मुझे तो सामने आके सबको बताना पड़ेगा ना मैम, तो उससे कहीं से कहीं तक कोई रिलेट नहीं है बिग बॉस और उससे लेके, अब अगर चाहे बाहर भी आएगी तो मेरे को मेरी तो अब उससे यही है, मतलब एक तरीके से अब उस ये वो बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, लव इज एंड वॉर इज बिगेन, तो वाला अब क्या भाई, तो अब तो तू आ जा सामने, आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, बार बार तू ये पोक जो मुझे पोक करे जा रही है तो उस चीज को तू बंद कर दे, क्योंकि उससे तुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरी बात सब लोग मान रहे लेकिन भाई उससे मेरी लाइफ में तो फर्क पड़ रहा है ना, मैं जैसे तैसे करके स्टेबल हुआ हूँ, तूने मुझे एक तो बगैर बताए शादी कर ली, तू मुझे एक कॉल कर देती, इतने साल का रिलेशनशिप था अपना, तू मुझे एक बार तो कॉल करती कि यार मैं शादी करने वाली हूँ, 2019 में मेरे पास कॉल आया कि आप कैसे हो क्या चल रहा है, लाइफ सेट है सब कुछ ये वो, तो मुझे तो ये लगा कि चलो हम दोनों का जैसा चल रहा था वापस से इसने यही देख लिया कि यार कि हाँ यार एक बार वापस से इनको फोन लगे पूछ लेती हूँ मैं इनका स्टेटस क्या है, उसके बाद में फिर ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, तो अनब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक हमारी प्रोसेस चलती रही, अब उसे सडनली इसका जब जो उसने सगाई करी तो मैं शॉक में हो गया, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों के थ्रू मुझे पता चला ना, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला मैं जब मैं हाजी अली पे था मैंने बताया मेरे प्रीवियस इंटरव्यू में कि मुझे तो मेरे दोस्तों का कॉल आया कि तूने इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी कि तेरी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली, तो मैं उस टाइम बिल्कुल मतलब एक तरीके से ब्लैंक हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था, मतलब मैं वहां पर गिर गया था नीचे, मेरे दोस्तों ने मुझे लेकर आया बाइक स्टेबल हो, जैसे जैसे करके मैं स्टेबल हुआ मैंने अपनी लाइन बनाई, मैंने बोला चल तू ठीक है खुश रहे, लेकिन अब वापस से वो मैं उससे कोई पूछ रहा है क्या मैम, अब मुझे बताओ उससे कोई किसी ने पूछा कि तू तेरे पास्ट के बारे में बोल, लेकिन बार बार वो एक ही चीज क्यों बोले जा रही है, कुछ तो रीजन होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ती पहली बात, तो आप पास्ट के बारे में बोल के रहो, वो भी करवा चौथ जैसे स्पेशल डे में आप बोल रहे हो, आपके हस्बैंड भी बैठा हुआ है साथ में, नील बैठा हुआ उसके सामने बोल रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, सेल्फ लव की बात आ रही है, तो मुझे वो इससे मिला, या 6-7 साल से मैंने मेरे साथ में थी मुझसे नहीं मिला, 1 साल में उसके साथ में सब कुछ मिल गया उसको, ये अच्छा है। लेकिन राहुल जी, आप जिस तरह से हर बार ये मेंशन करेंगे वो पास्ट की बातें कर रही हैं करके, लेकिन उन्होंने एक बार भी या एक दफा भी, जैसे लाइफ फीड हम भी फॉलो करते हैं, उन्होंने कहीं पर नाम मेंशन नहीं किया, लाइक वो उनकी साइड से नहीं, लेकिन उन्होंने नाम भी मेंशन नहीं किया। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जब वो घर से बाहर आएंगी तो आप उनको फेस टू फेस फेस करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली क्या लगता है इस चीज का रिएक्शन नील और उसकी फैमिली से क्या मिलने वाला है आप? देखिए अभी इतनी सारी चीजें बाहर आई, अगर रिएक्शन मिलना होता तो अभी मिल जाता, क्योंकि उसकी फैमिली को भी मेरे बारे में पता है, ऐश्वर्या की फैमिली को सबको पता है मेरे बारे में, रिएक्शन मिलना होता तो अभी तक मेरे पास 5 से 10 कॉल आ जाते कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे घर से कोई ज्यादा दूर नहीं, उसका घर डिस्टेंस, उसके फादर मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उसके फादर मेरे घर पे आ चुके हैं, अगर रिएक्शन मिलना होता तो सब पहले ही मिल जाता हो, और ये बात तो फिर उसको नील को ही पता होगी हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन वो गलत चीजें पोर्ट्रे कर रही ना, वो बोल रही अब ये बोल रही है कि मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको बिट्रे किया और मैंने शादी कर ली उसको बताया नहीं, मतलब आप देख रहे होंगे उसने लाइव फीड के अंदर बोला है चीज मैं, क्योंकि मैं भी अब देख रहा हूँ उसकी पूरी
24 आवर्स की जो भी है लाइफ इट, उसमें गार्डन एरिया में बैठ के दोनों बात कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे फ्यूचर व्यूचर की, लेकिन उसमें उसने ये बोला कि मेरे यार मुझे ट्रस्ट इशू है ऐसा वैसा। तो अब ये सारी चीजें मैं क्यों लूंगा? अब ये चीज तो अब इतनी अब ये चीज तो उसको ध्यान रखनी चाहिए ना पहली बात, तो कि भाई वो शादीशुदा है, शादी कर ली है, अब तो तेरे पास्ट को याद भी नहीं करना चाहिए भाई। तू आगे बढ़ गई तो तू आगे बढ़ना, क्यों बोल दिया भाई तू शादीशुदा है तो तेरे तेरी फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, नील की फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो तू बात बोल रही है। पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। लोग तो मुझे राहुल जी इसमें आप कमेंट ऐसा करते कि अब तो बोलिए, शादी हो गई उसकी, लोग कमेंट में करते कि अरे अब तो शादी हो गई अब क्या जरूरत है करने की। अरे भाई तो उसको बोलो ना चुप करो, उससे पूछो ये जवाब कि भाई अब तेरी शादी हो गई, पहली बात तो तुमको पास्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहिए पहली बात तो, क्यों कोई पूछ तो रहा ही नहीं ना उससे। भाई तुम अपनी खुशी जाहिर करो ना कि मैं तो इसके साथ बहुत खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ, माई पास्ट रिलेशनशिप वॉज रियली रियली बैड। और जो बात कर रहे हैं कि भाई एक बार भी वो मेरा नाम नहीं ले रही, तो भाई 2019 तक का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि हम दोनों साथ में लाइक जो थे, है ना, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं बता सकता हूँ उसके सामने आके बोल सकता हूँ। और अब जो बोले कि मेरा नाम ले ली दूसरा, तो भाई दूसरे का नाम ले लो। और अगर इतने दिन इतना सब कुछ हुआ तो दूसरा भी तो आना चाहिए था, इतनी बात अगर वो भी सुन रही, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है ये, इतनी सारी न्यूज निकल गई है, बड़े बड़े आर्टिकल छप गए, तो वो उसको भी तो आना चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रही है। वो भाई कौन है? वो आए सामने क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं, तो राहुल, फिर उसको भी निकलना चाहिए ना अलमज जी, मतलब एक तरीके सीधी बात है ना। हाँ तो वो जैसे नाम लेने की बात आई है तो उसके ऊपर मैंने कहा, लेकिन दूसरी बात ये कहूंगी कि आप ये सीजन शायद बहुत ज्यादा डीपली फॉलो कर रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि आप एक एक चीज नोटिस कर रहे हैं उस शो की। तो करना तो पड़ेगा चलिए, ना जो मैम, मुझे तो देखिए लोगों ऐश्वर्या ने मुझे और नील तो के अलावा करना घर में पड़ेगा ना अब ये, मतलब और भी कंटेस्टेंट है, किन किन लोगों का आपने और नोटिस किया है, कौन गेम अच्छा खेल रहा है वहां, उसके बारे में बताइए। मैं तो बाकियों का कुछ नहीं देखता हूँ, मुझे तो फोकसली उस पे करना है क्योंकि भैया मेरी लाइफ से रिलेटेड चीजें जो हो रही है, बाकी तो ऐसे तो देख रहा हूँ मतलब गेम में आप, लेकिन सबसे बढ़िया तो मुनावर बहुत अच्छा खेल रहा है, स्मार्टली हाँ प्ले कर रहा है, विकी भाई भी है, मतलब अपना गेम जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं, वो भी दिमाग का यूज कर रहे हैं रियली, जो करना चाहिए दिमाग के घर के अंदर रहकर। साथ ही साथ अंकिता जी थोड़ी सी है, मतलब वो इनसिक्योरिटी, और वो उनको एक तरीके से बोलते हैं ना जैसे ऐश्वर्या को चाहिए रहता था पहले कि यार हम मुझे थोड़ी सी वो मिले, मतलब इससे जो मेरा लाइफ पार्टनर है उससे, तो वो उनको विकी भाई से नहीं मिल रही इसलिए वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो रही है, वो इतना झिझक रही है। और साथ ही साथ मनारा भी अच्छा खेल रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रख रही है सबके सामने, मतलब आकर खुलकर बोल रही है। बाकी चिंटू भैया तो वो चिंटू भैया ही है, चिंटू बन के रह गए, वो गए थे बिल्कुल डैशिंग, बिल्कुल एक तरीके से कोहराम मचाने के लिए। भाई मेरे को तो लग रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल वो एक तरीके से सही बोलते हैं ना, चिंटू अच्छा बच्चा बन के रह गया, सब पपेट बन के रह गया सबका, हो गया भाई चिंटू भाई चिंटू चिंटू। तो वो जिस तरीके से इसने एंट्री करी थी तो मुझे लगा था कि भाई ये कुछ तो अपना बदला रिवेंज तो ले भाई, कुछ तो बात कर उस मुद्दे पे, लेकिन तू जाके अभिषेक के अंदर घुस जाए, तू कभी उसके नेहान उसके अंदर घुस जाए, तू बात करने लग जाए, तो एक तरीके से वो थोड़ा सा उस जगह वीक है। अभिषेक ने एक चीज अच्छी करी कि वो जो पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, अब उसने थोड़ा कम कर दिया उसका वॉल्यूम, वो अब अच्छा प्ले कर रहा है, थोड़ा स्मार्टली प्ले करने लगा है अब वो। और बाकी तो सब के सब बैठे हैं, बाकी तो लेटे हैं बिस्तर पे, मतलब आप यूट्यूबर्स जैसे की बात अपने कर तेल का रहे भाई, हैं, सब तेल लेट का गए। भाई लेटे हुए हैं, तेल का भाई लेटे हुए हैं, अपना अरुण भाई लेटे हुए हैं, ये सब कंटेंट सब बैठे बैठे ऐसे करके देंगे सब। चलिए, तो राहुल जी आपसे एक आखिरी सवाल है कि मतलब जो आपने सबूत की बात की है तो वो हम भी देखना चाहेंगे, और जो चीजें हैं जो इस बात पे, तो हम भी इसके लिए वेट कर रहे हैं कि जब ऐश्वर्या और नील उस घर से बाहर आए तो आपका क्या मुद्दा होगा, आपका क्या स्टैंड होगा, वो भी हम देखेंगे। तो कुछ मेरा जो तो बस सबूत है यही वो अलमत जी, मेरा मेरा एक ही मुद्दा है कि बस तुम अब तुम्हारी लाइफ में अगर तुम सेट हो गए हो आगे बढ़ गए हो तो तुम तुम्हारी लाइफ जियो, मुझे बाबा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे वापस मत घसीटो क्योंकि उससे मेरी लाइफ बहुत है ना, पहले उसने मेरी लाइफ को वैसे हेल कर दिया, क्योंकि आप भी आपको भी पता है कि ना किसी लड़के पर जब है ना ऐसा पहाड़ टूटता है ना, जब वो अपना करियर करियर के सबसे मेन पिक पे होता है, उसके साथ में जब उसकी मोहब्बत उसका साथ छोड़ देती है, तो उस वो कितना डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि मैं हुआ हूं, मैंने फील किया है, लोगों को पता नहीं है। जब आपके ये जब ये डालोगे ना तो अभी देखना कितनी सारी कमेंट्स आ जाएगी, भाई इतने साल से ये वो, तो मेरे साथ जो चीजें हुई है ना, भगवान ना करे किसी के साथ हो, क्योंकि वो ही इंसान समझ सकता है इन चीजों को जिस इंसान ने फेस की है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और अभी मैंने रिसेंटली एक उसकी फ्रेंड का भी मैंने इंटरव्यू देखा था,
आसना किशोरी उसकी फ्रेंड है, वो बोलती है कि मैं 7 साल 7 साल से ऐश्वर्या को जानती हूँ, ये है वो है, मेरे को तो उसने बताया नहीं। तो वो सिर्फ जानती है, मैंने उसके साथ उतने साल जिए हैं। जानना और जीने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फिर तो तेरी दोस्ती पे भी क्वेश्चन मार्क है कि तेरे दोस्त ने इतना सब कुछ बताया ही नहीं मेरे बारे में, जो कि हम दोनों का इतना। और अगर उसको अगर वो छाया है तो आसना किशोरी को मेरा नंबर दे देना, मेरे से बात कर ले, मैं उसको एक एक चीज बता दूंगा, क्योंकि वही बोल रही है कि मेरा एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब इस टाइम पे ऐसा होता है वैसा होता है। भाई मुझे करना होता ना तो मैं उसकी शादी में भी चले जाता। मेरे घर से कोई ज्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर दूर है उसका घर, मेरी दूर, मेरे घर से उज्जैन से महितपुर कोई ज्यादा दूर नहीं है। पर जब सामने वाला ये आगे बढ़ने का, तो उसको क्या फोर्स करने का? जब सामने वाले अपने कुछ धोखा देके चले गया, सामने वाला मतलब उसने कुछ बताया ही नहीं, लाइफ से अलग से डिसीजन ले लिए, तो अब अपन उसमें किसी को जबरदस्ती तो फोर्सफुली तो प्यार करा नहीं सकते ना मैम। पर आप जब अलग हो गए हो तो मेरे बारे में मत बोलो प्लीज, क्योंकि उससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मगर आपने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि प्रूफ्स कैसे लीक हो गए? जो चीज आपकी पर्सनल है या ऐश्वर्या के पर्सनल है, ये पर्सनल चीजें आप लोगों की कैसे लीक हो गई? या आपके यार फ्रेंड सर्कल ये कोई था? क्वेश्चन तो मैं उससे ही पूछ सकता हूँ, उसके फ्रेंड्स के पास भी फोटो थे, मेरे फ्रेंड्स के पास भी फोटो थे ये वाले सारे। भाई हमारी फैमिली, क्योंकि हम सब कोई, हम जब अभी ये जब मेरे साथ में थी तो ऑब्वियसली मैंने सबको भी दिए थे फोटोज के। यार ये अब देखो, आप जब साथ में होते इतने लंबे रिलेशन में, तो अपन आप क्या सोचते हो कि यार नहीं अपन तो इस बात को शादी तक लेके जाएंगे, तो क्या होता है भाई, अब रहता ना फ्रेंड्स लोगों के पास थोड़े बहुत ये रहता। अब यही तो चीज है कि ये पता होती तो मैं सब उसके पास चले नहीं जाता कि भाई ये क्यों किया, क्योंकि मैं जब ये हुआ था ना, मैं लिटरली बोलो 2 दिन तक तो बहुत डिप्रेशन में रहा था, मैं सामने नहीं आ पा रहा था, लोगों को बता नहीं पा रहा था अपनी चीजें। मीडिया के मेरे पास आज भी इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं बात करने के लिए, मैं उस टाइम लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहा था। आप मेरा फर्स्ट इंटरव्यू देखोगे और आज का इंटरव्यू देखोगे, आपको लगेगा कि मैंने उस टाइम में कैसे बात करी है और आज मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अब वो चीजें मैं यूज टू थोड़ी हूँ कि मैं लोगों को इंटरव्यू देता रहूँ। ये वाली चीजें मेरे साथ तो पहली बार हुई ना, मैं कोई इतना सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ जो मैं एक, क्योंकि आप तो सबको आप पता ही है कि आप जब लेते हो इंटरव्यू तो एक आप सेलेब के इंटरव्यू लेते हो, आज मैं कॉमनर हूँ तो भाई आप मेरा इंटरव्यू ले, तो एक रहता है ना मैम। चलिए राहुल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, एंड वी होप कि कुछ चीजें जो आपकी लाइफ है कि वो सॉर्टेड हो जाए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच अलमज जी, थैंक यू सो मच। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।